गुड इवनिंग फ्रेंड्स, श्योर सक्सेस में आपका वेलकम है। और आज मैं आपके साथ सी टेट के लिए आर्टिकल्स को लेकर के आई हूँ। ठीक है, ये मेरा पार्ट वन है। आर्टिकल्स में वैसे तो कोई पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री नहीं होता है, लेकिन हम डीप नॉलेज के लिए जो है तीनों आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, ए एन डी, इनको पढ़ने के लिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो इसको एक ही वीडियो में हम तीनों को बहुत ही आराम से कवर कर सकते हैं। बट आई थिंक फ्रेंड्स, तीनों को एक साथ कवर करने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम इनको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आज मैं आपको पार्ट वन में सिर्फ यूज़ ऑफ ए का ही बताऊंगी, और सेकंड वाले में मैं आपको एन का यूज़, एंड फिर थर्ड पार्ट में डी का यूज़ बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि जो है कम पार्ट्स में, कम टाइम में, छोटी वीडियो में तीनों को फुली डिटेल के साथ हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ओके, तो यहाँ पे मेरी यही कोशिश है कि अगर आप इन नोट्स को ले लेते हैं, बना लेते हैं, तो आई थिंक इतना मटेरियल आपको मिलना ही मिलना है। इसमें यही कोशिश की जा रही है कि जो नोट्स आपको मिल रहा है उसमें कोई भी चीज़ आपकी छुट्टी नहीं रहे। ओके फ्रेंड्स, तो आर्टिकल का ये पार्ट जो हमारा वन है, आइए देखते हैं इसमें हम क्या चीज़ नहीं देखते हैं और क्या हम इसमें जो है अपना समझेंगे। तो ये आर्टिकल का पार्ट फर्स्ट है, तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं आर्टिकल्स क्या होता है? चूँकि आपको ऑलरेडी वीडियो में दिख रहा है, तो आर्टिकल्स वह शब्द होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो नाउन के बारे में बताता है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आई थिंक नाउन को जानते हैं। देखिए, नाउन एक जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ नाउन, तो आपके माइंड में जो है एक डेफिनेशन आती है, अ नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, हिंदी में जिसको हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो होल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज नाउन। अगर मैं ये कहूँ कि एवरीथिंग इज नाउन, तो ये गलत नहीं होगा। ओके, तो आर्टिकल्स क्या होता है, या आर्टिकल्स वह शब्द होता है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन के हिसाब से हम चल रहे हैं, जो नाउन के बारे में बताता है। ओके, आर्टिकल्स आज हम क्या करेंगे, केवल ए को ही कवर करेंगे। आर्टिकल ए जो होता है, या एन या फिर दी जो होते हैं, ये नाउन के बारे में बताते या फिर उसकी कोई एक्स्ट्रा नॉलेज को बताएगा, यानी कि उससे हट के उसके अतिरिक्त उसकी व्याख्या करता है, उसको और डिटेल में बताता है। आर्टिकल क्या होता है, अपने आप में एक विशेषण होता है, एंड आप विशेषण को जानते हैं जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, व्हाट इज एडजेक्टिव, हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। ठीक है, विशेषण नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। यह नाउन के बारे में बताते हैं, कौन बताते हैं, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन के बारे में ही बताता है। इससे पहले आता है, ठीक है, हमेशा आप देखते हैं जैसे अ बैट, अगर कोई सेंटेंस भी लिखते हो तो राम हैज़ ए बैट, राम के पास एक बल्ला है, तो जहाँ पे आप बैट लिख रहे हैं उससे पहले आप क्या रख रहे हैं, ए, यानी कि नाउन से पहले आपने आर्टिकल रखा। तो वो यही कह रहा है कि आर्टिकल जो होता है वो हमेशा नाउन से पहले ही आता है। ठीक है, आर्टिकल यह भी बताता है कि नाउन स्पेसिफिक है या नहीं, इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि नाउन विशिष्ट है, विशेष है या नहीं, किस तरीके से बताएगा वो हम आगे उसको जानेंगे। तो आर्टिकल्स के बारे में हमने इतना देख लिया कि आर्टिकल क्या होता है, वह शब्द होता है जो नाउन के बारे में बताता है या फिर उसके अतिरिक्त उसकी व्याख्या करता है। आर्टिकल एक विशेषण होता है, नाउन के बारे में बताता है, इससे पहले आता है। ठीक है, किससे पहले आता है आर्टिकल, आर्टिकल नाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, और आर्टिकल यह भी बताता है कि नाउन हमारा स्पेसिफिक है या फिर नहीं है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल काइंड ऑफ टू होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित, आर्टिकल्स का मतलब वस्तु है, अनिश्चित यानी कि अनिश्चितता को बताना।
ठीक है, कि निश्चित है या अनिश्चित है, क्योंकि आपने इंडेफिनेट टेंस भी पढ़ा है, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, जो नाउन से पहले आकर के उसकी डेफिनेट को स्ट्रॉन्ग कर देता है, उसको स्पेशल बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो एन लगा हुआ है डेफिनेट में, ये एन नहीं है, ये यहाँ पे द है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल हमारा दी होता है, ये बाय मिस्टेक एन लिखा है, दैट इज रॉन्ग, तो इसको आप जो है दी कर लीजिएगा जब आप इसके नोट्स बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके जो है यूज ऑफ अ, यानी कि ए। तो यूज ऑफ ए में हम देखेंगे कि हम ए का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। मैंने आपको बताया कि हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे और हम ए एन और दी का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से, ध्यान बिल्कुल माइंड में रखना है कि यूज ऑफ ए कहाँ कहाँ पर होता है, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले होता है जिनका उच्चारण कंसनेंट्स की आवाज से होता है। इट मींस आपको काउंटेबल नाउन पता है, वो नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अ बुक, वुमेन, हॉर्स, टेबल एंड मैन की बात की गई है, ये काउंटेबल नाउन है। अगर आपकी जितनी भी बुक्स हैं, आप ये मान के चलिए कि आप इनको काउंट कर सकते हैं। और मैंने भी कहा ईच एंड एवरीथिंग इज नाउन, या एवरीथिंग इज नाउन, हर चीज़ क्या है, नाउन है। लेकिन अगर वो गिने जाने लायक है, जिसको आप गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन को जो कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ दे रहा हो, ठीक है। तो वो कॉन्सोनेंट्स आपको पता है, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। एंड वॉवल्स क्या होते हैं, आपने सबने पढ़ा होगा, वॉवल्स वी और सी से कॉन्सोनेंट्स। वॉवल हमारे फाइव होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इनसे हटके जितने हमारे बचे 21, वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बुक, वुमेन, हॉर्स, टेबल और मैन दिख रहा है। आपको यहाँ पे अगर इनका पहला वर्ड दिखेगा तो आप ध्यान से देखेंगे, बुक में ब, डब्ल्यू में व, हॉर्स में ह, टेबल में ट, मैन में म, इसका साउंड आपको दिखाई दे रहा है, जो कॉन्सनेंट साउंड है। अ से लेके अंग तक ये कौन सी साउंड होती है, ये स्वर की ध्वनियाँ होती हैं, जो कि इनमें नहीं हमें दिख रहा है। तो इट मीन्स अगर हमारा नाउन कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रेजेंट कर रहा है, तो क्या है, वहाँ पे हमें अ का यूज़ करना है, ए का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, आप नोट्स करके इनको बार बार जो है रिपीटिशन कीजिएगा, इनको देखिएगा। नेक्स्ट नंबर टू पर है यू, यू की आवाज़, यू तो हमारा वॉवल में आता है, हम लोगों को पता है यू हमारा क्या है, वॉवल में तो ऑफकोर्स आता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि यू को अगर अब जब आप अम्ब्रेला बोलते हो तो अ से शुरू करते हैं, अम्ब्रेला, लेकिन यहाँ पे यू का क्या है, अगर आप यूनिवर्स इसके एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे यू की जो साउंड है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूटेंसिल, ओके। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो क्या दिख रहा है आपको, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूटेंसिल्स, बर्तन, ओके। यहाँ पे यूनियन, ओके, यहाँ पर आपका क्या है, यूनियन। एंड यूनिक बॉन्ड, यूनिक बॉन्ड, ओके। एंड यूनिकॉर्न, ठीक है, गेंडा जिसको बोलते हैं, एक सींग का जानवर। एंड यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौमिक नियम। एंड यूजफुल हिंट, और यूनिट। एंड यूरिनल, ओके, जो शौचालय होता है उसको यूरिनल कहा जाता है, ठीक है। तो आपको सबको यहाँ पे यू की आवाज़ दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर इसको अम्ब्रेला बोल दूँ तो किस चीज़ की आवाज़ दिखेगी, अम की, अ से शुरू दी, अम्ब्रेला, तो वहाँ पे तो उसकी वॉवल साउंड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड इसकी आ रही है। तो इट मीन्स अगर यू आपको यू की आवाज़ जो है वो स्वरों की आवाज़ ना दे करके व्यंजनों की आवाज़ देता है, तो वहाँ पर भी हम ए का यूज़ करते ना कि एन का।
क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट वॉवल जो होते हैं, वॉवल से जो वर्ड शुरू होता है, जो नाउन वॉवल से शुरू होता है, वहाँ हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे एप्पल को ले लेते हैं, तो एन एप्पल, वेरी इजीली एन एप्पल, तो ये ए से शुरू होगा, ये एन हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर यू से बेशक शुरू हो रहा है, वॉवल वर्ड जरूर आ रहा है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो यू की निकल रही है, जो यू अपने आप में व्यंजन है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में भी हम ए का ही यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं, ओ। ये भी फिर अपने वॉवल को रिफर कर रहा है, जैसे जो वॉवल से शुरू होते हैं उनके पहले हम एन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ओ की जो साउंड है वो व में निकल रही है। अ वन आइड, वन, आपके बोले वन, वन आइड, वन रुपी, व, या ओ की आवाज ओ में ना निकल के, ठीक है, ये व में निकल रही है, ये व्यंजनों में निकल रही है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे एक ही यूज किया जाएगा, अ वन आइड मैन, या अ वन रुपी नोट, 1 रुपए का नोट। नेक्स्ट वन, वन का भाव प्रकट करने के लिए भी एक का प्रयोग होता है। वन का भाव, जब यहाँ पे आप एक का सेंस देते हैं ना, तो वहां पे भी आपको ए ही लगाना पड़ता है। शी हैज अ बुक इन हर हैंड, उसके, शी हैज अ बुक इन हर हैंड, उसके हाथ में एक किताब है, ठीक है, उसके हाथ में एक किताब है। तो अ बुक, बुक क्या है, नाउन है, और कितनी है, एक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक का सेंस भी देने के लिए किसका यूज करा जाता है, एक का यूज किया जाता है। एक का जहां पर आपको सेंस क्रिएट करना है, वहां पे आपको किसका यूज करना है, एक का यूज करना है। नेक्स्ट वन क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, एक का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से जानते हैं, ही इज ए शाइलॉक। शैलॉक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैलॉक 12th की जो है बुक में है, ठीक है। ये 12th स्टैंडर्ड में एक प्ले है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस एक प्ले का नाम है, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, उससे लिया गया है ये वाला सेट। तो शैलॉक उसमें क्या होता है, एक क्रूअल मनी लेंडर होता है, ठीक है, एक जमींदार है, इंटरेस्ट पे पैसा देता है, ब्याज पर पैसा देता है, और बहुत ही क्रूअल है, बिल्कुल भी वो लोगों पे दया नहीं दिखाता है। तो वो कैसा है, क्रूअल है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए, यहाँ पर शैलोक को क्या है, शैलोक एक प्रॉपर वर्ड है ना, कॉमन एक मतलब विशिष्ट व्यक्ति है, लेकिन उसकी कंपैरिजन किससे की गई है, ही से। ही को क्या कहा जा रहा है कि ही भी क्या है, ही भी क्या है, ही इज अ शैलोक, कह रहे ना, ही इज अ शैलो, या मोहन इज अ शैलो। तो ही को क्या कहा जा रहा है कि ही को एक शैलोक से कंपैरिजन की जा रही है, कि ही भी क्या है, एक क्रूअल मनी लेंडर है शैलोक की तरह, यानी कि प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन बनाया जा रहा है, शैलोक को ही से कंपेयर करके प्रॉपर को कॉमन में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। आप उसको बार बार जब सुनेंगे समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, इसी में एक और है, ही इज ए करोरीमल। आपने बचपन में 8th में करोरीमल और लकी मल की कहानियां सुनी होंगी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, करोरीमल कौन था, करोरीमल बोथ, करोरीमल एंड लकीमल बोथ वर द माइजर थे, दोनों बहुत बड़े कंजूस थे, ओके, बिल्कुल भी पैसा स्पेंट नहीं करते थे। तो कहानी आपने डेफिनेटली सुनी होगी। अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस लें, ही इज अ करोरीमल, तो ही क्या है, ही को भी किस कैटेगरी में रहे, ही को करोरीमल कहा गया, यानी ही को इनडायरेक्टली क्या कहा जा रहा है, एक माइजर कहा जा रहा है, ही को भी क्या कहा जा रहा है, माइजर कहा जा रहा है, ही को माइजर कहा जा रहा है। माइजर कहने का मतलब, यहाँ पे करोरीमल एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और प्रॉपर नाउन को क्या किया जा रहा है, कॉमन की कैटेगरी में किया जा रहा है, ठीक है। ही को क्या कहा जा रहा है, ही को करोरीमल की तरह, कह रहे ही इज ए करोरीमल, की ही भी क्या है, करोरीमल है, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि करोरीमल प्रॉपर नाउन की तुलना किससे की जा रही, ही से की जा रही। तो प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान जो होता है वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में, जो स्पेसिफिक होता है,
ठीक है, जैसे ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अगर मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ तो इसमें ताज क्या है, प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि स्पेसिफिक बिल्डिंग है, एक बहुत ही विशिष्ट बिल्डिंग है, एंड इट्स नोन फॉर मुमताज़, ये मुमताज़ के लिए जानी जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशंस की बात आप करेंगे तब भी आप दी का ए का यूज़ करेंगे, सॉरी, जैसे माई मदर इज़ अ टीचर, ओके, ही इज़ अ डॉक्टर या ही इज़ अ लॉयर, ठीक है। अगर आप किसी का प्रोफेशन बताते या किसी का ऑक्यूपेशन बताते, ही इज़ अ फार्मर, पेशा व्यवसाय बताते, तो आपको वहाँ पे ए का यूज़ करना होता है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले, ओके, जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स आता है, ठीक है। सीरियल, राइस किया है, राइस, राइस डेफिनेटली चावल है, सीरियल, और सीरियल एक अनाज है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि सीरियल जो अनाज है, अनाज को तो आप काउंट करते हैं, मैं दाने नहीं गिनने के लिए कह रही हूँ, मैंने कहा पांच सीरियल्स बताइए, गेहूँ, चावल, मक्का, ठीक है, जौ, बाजरा, आप इस टाइप से पांच टाइप के, यानी आप काउंटेबल को गिन सकते हैं। तो राइस इज आप यहाँ पे क्या करें कि जो चावल है वो भी एक प्रकार का क्या है, अनाज है, तो सीरियल को, अनाज को आप क्या करें, काउंट कर सकते हैं, सीरियल्स गिन सकते हैं, दाने नहीं, उसकी कैटेगरी को गिन सकते हैं, सीरियल्स को गिन सकते हैं, अनाज को गिन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, देयर वॉज अ लेटर फॉर यू, ठीक है, देयर वॉज ए, तुम्हारे लिए एक लेटर था, यहाँ पर भी लेटर क्या, काउंटेबल नाउन है, डेफिनेटली लेटर्स को गिन सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे काउंटेबल, लेकिन ये लेटर कितने, एक ही लेटर है, लेटर्स नहीं है, ठीक है, ये लेटर है, तो इससे पहले क्या लगा है, ए लगा है, क्योंकि काउंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए का यूज करते हैं। कुछ हमारे आइडियोमेटिक फ्रेजेस होते हैं फ्रेंड्स, जो स्पेशल होते हैं, आप इनको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, और इनको आप जब भी यूज़ करेंगे तो आपको इसी तरीके से इनको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे ऑल ऑफ ए सडन, ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन, कभी भी आप अचानक यूज़ करेंगे तो इसमें ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, ए हमेशा यूज़ होगा। ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, ओके, देखिए यहाँ पे द ए लगा है, सॉरी, टू बी इन ए हरी, जल्दी में होना, टू बी इन अ रेज, फैशन में होना, अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, अ नॉनसेंस, ठीक है, क्या बकवास है, अ बैड कोल्ड, ठीक है, कितनी बुरी सर्दी लगी है, कितनी बुरी ठंड है, कहते हैं ना मुझे तो बहुत ही कोल्ड एंड कफ है, तो बैड कोल्ड हुआ है, हेडक, आई हैव अ हेडक, मुझे क्या है, मेरे सर में दर्द है, टेम्परेचर, फीवर है, डेफिनेटली, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही यूज़ होंगी, बिना ए के यूज़ नहीं होती हैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, शी कॉल्ड अ टैक्सी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है उस ए के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, और आप इनके एग्जांपल्स को नोट कर लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। ओके, शी कॉल्ड अ टैक्सी, डोंट गिव हर अ पेन, उसको पेन मत दो, शी अ प्लेड अ पियानो ट्वाइस अ वीक, वो सप्ताह में 2 बार पियानो से पियानो बजाती है, ओके, प्ले करती है। आई हैव अ हेडक, मेरे सर में दर्द है, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, माई अंकल हैज ए ब्लैक काउ, मेरे अंकल के पास एक काली गाय है, देर वॉज ए यूनिक बॉन्ड बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, शी हैज अ वन आइड 1 रुपी नोट, ठीक है, उसके पास 1 रुपये का नोट है, माई हस्बैंड इज अ टीचर, मेरे हस्बैंड टीचर है, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, कृपया क्लास में शोर मत मचाइए, माई ग्रेनी इज फीलिंग अ बैड कोल्ड, मेरी ग्रेनी है, मेरी दादी है, मेरी नानी है, वो क्या फील कर रही है, बैड कोल्ड, उनको बहुत ज़्यादा ठंड होगी। आप इन सारे नोट्स को, ये जो है, सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, मैं इसका सेकेंड पार्ट में आपको यूज़ ऑफ एन बताऊँगी, उसके थर्ड पार्ट में यूज़ ऑफ दी बताऊँगी, और कोशिश करूँगी उसी थर्ड पार्ट में मैं आपको वो भी बता दूँ कि कोई भी आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता है फ्रेंड, इससे हट के कोई आर्टिकल नहीं बचेगा, आपका सी टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट हो,
कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम हो। ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।